शाम में एक रिपोर्ट आई थी कि मोमिनाबाद लेन नंबर 2 में एक अनकॉन्शियस बॉडी है, जो जब लोगों ने वहां शिफ्ट की हॉस्पिटल में तो उन्होंने बताया कि ये ब्रॉड डेड है, इसकी बॉडी पे मल्टीपल वुंड इंजरी है। उसको देखते हुए एक पीएस बटमालू में एफआईआर नंबर 67 रजिस्टर हुई अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। इन्वेस्टिगेशन को लाया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हमने स्पॉट को आइडेंटिफाई किया। उसमें जितने भी एंट्री और एग्जिट रूट थे जो पॉसिबल सस्पेक्टेड थे उनको लोकल्स की मदद से, सीसीटीवी की मदद से, अदर जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से हमने आइडेंटिफाई किया। जब कई लोगों से हमने इंटरोगेशन की तो उसमें एक सस्पेक्ट ने वॉलंटरी कन्फेस किया कि वो जो विक्टिम है, जो डिसीज विक्टिम है, उसकी बेटी के साथ रिलेशनशिप में था और ये बात उसके जो फादर है उसको नागा बाजार गुजरती थी, तो काफी लंबे टाइम से उसका प्लान था उससे बदला लेने का। जब कल शाम को जब विक्टिम ने इसे देखा अपनी बच्ची के साथ अपनी गली में देखा तो काफी गुस्सा आया उसे और वो इसके पास पहुंचा। इससे पहले इसने प्लानिंग की तरह एक चाकू खरीद के रखा था 4-5 महीने अपने शार्प एज वेपन अपने पास, और ये हमेशा जब भी उस जाता था उसके पास ही अपने बैग में ही कैरी करता था। तो कल जब इसने देखा गली सुनसान थी, कोई अवेलेबल था नहीं, उसके फादर अकेला था, इसको मौका मिला जो काफी लंबे टाइम से एग्जीक्यूट करना चाह रहा था। इसने उसी टाइम पर मौके का फायदा उठाते हुए मल्टीपल स्टैब इंजरी उसको दी, मल्टीपल वुंड उसके गर्दन पे छाती पे दिए जिससे जो विक्टिम है उसकी डेथ होगी, और फिर ये मौके से भाग गया। हम जब मौके पे पहुंचे तो हमने एंट्री और एग्जिट रूट को काफी एनालिसिस किया, सीसीटीवी देखे और जो टावर ट्रैफिक था, अदर जो टेक्निकल रिसोर्सेज उनको एनालिसिस करके हमने इसको आइडेंटिफाई किया। जब इंटरोगेशन की तो इसने बताया कि इसने कैसे उस विक्टिम की जान ली चाकू से, और इसके इंस्टेंस पे ही हमने जो इसकी ब्लड स्टेन शर्ट थी जो इसने एक दूसरी जगह छुपा रखी थी, चाकू ब्लड स्टेन नाइफ जो इसने दूसरी जगह छुपा रखा था और जो इसका ट्राउजर था वो इसने तीसरी जगह छुपा रखा था, इन तीनों को हमने वहां से उसके इंस्टेंस पे रिकवर किया। विद इन फ्यू आवर्स ही हमने केस क्रैक किया पीएस बटवालू में अंडर लीडरशिप ऑफ एसएसपी सर। एक जो ये क्राइम था जो हुआ है इसको डिटेक्ट किया और इस पर आगे इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे।